आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, विजन पीटी 365 का इकोनॉमी का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप इंजॉय करेंगे। सॉरी, ये पार्ट सिक्स है, ओके, ये पार्ट सिक्स है। सो आई होप सो आप इसको इंजॉय करेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स की तरह ही है, क्योंकि देखिए विजन पीटी 365 काफ़ी नॉलेज वेटेड मैगजीन होती है। ये रिविजन मॉड्यूल होता है 1 ईयर का। सो अगर आप डेली का डेली करंट अफेयर किए हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ये सेगमेंट होता है। अगर आपने कभी स्किप कर दिया है, डेली का डेली करंट अफेयर को कवर नहीं किया है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ पे पहले से हाइलाइटेड चीज़ें की गई हैं। सो आई होप कि आप इसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सर्विस वाला जो सेक्टर था, सेवा क्षेत्र, ये बचा हुआ था। सो आज इसको ये भी हम कमिट कर रहे हैं। सो देखिए, जो भारत में पर्यटन क्षेत्र है, उसका जो पहला टॉपिक है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसको देख लेते हैं। सो पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति जारी की है। सो इसका आप आंसर बताएंगे कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। हालांकि पर्यटन वर्ड भी है, तो सिंपल सी बात है कि आप इससे भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। सो क्या है इसका उद्देश्य? सो इसका उद्देश्य संधारणीयता को भारतीय पर्यटक क्षेत्र की मुख्य धारा में लाना, साथ ही यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन न्यूट्रल तथा संसाधन कुशल पर्यटन सुनिश्चित करना है, ठीक है। और विजन की बात करें तो इसका विजन भारत को संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बनाना, यानी एक प्रकार से ग्लोबल प्लेस बनाना है इस इनिशिएटिव के जरिए, ठीक है। और भारत में अगर पर्यटक क्षेत्र की बात करें, तो देश के कुल जीडीपी में पर्यटक क्षेत्र का योगदान लगभग 4.7% 2020 के अकॉर्डिंग, देश के कुल रोजगार में 7.3% की हिस्सेदारी है। देखिए, ये जो 2020 है ना, अभी तक का जो पर्यटक क्षेत्र का जो इंडेक्स था, सो उसके आधार से बात किया जा रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा कि 2023 चल रहा है और 2020 की बातें हो रही हैं। तो ये जो इंडेक्स रिलीज हुआ था, उसके आधार से बात किया जा रहा है टूरिज़्म के बारे में, ठीक है ना। और 2019 तक देश का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक देश था भारत, पर्यटक के क्षेत्र में, ठीक है। इस क्षेत्र के लिए नीतियाँ और योजनाओं की बात करें, तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2021 का जो प्रारूप है, ठीक है, और राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन नीति। सो देखिए, ये प्रसाद योजना याद रखना, ये स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक व विरासत संवर्धन, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रसाद, इसको याद रखना। स्वदेश दर्शन योजना और अन्य योजनाओं जैसे कि निधि 2.0, अतिथि उद्योग का राष्ट्रीय एग्रीगेटेड डेटाबेस योजना है ये, ठीक है। हालिया अगर घटनाक्रम की बात करें, धर्मशाला घोषणा पत्र को राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। इसके तहत 2047 यानी 47 तक पर्यटन क्षेत्र में विश्व में भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें, तो वैश्विक यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक, ठीक है, यानी ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में 117 यानी 117 देशों में भारत का जो स्थान है वह 54 है। सो ये आप याद रखना, आउट ऑफ 117, ठीक है। और ये किसने जारी किया था? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यटक क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य घटनाओं की बात करें, तो युवा पर्यटन क्लब क्या है? सो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर अपने सम्बद्ध स्कूलों से युवा पर्यटक क्लब गठित करने का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटक के लिए युवा राजदूतों को प्रोत्साहित व विकसित करना। पर्यटक के ये युवा राजदूत भारत के पर्यटक की संभावनाओं के बारे में जागरूक होंगे, हमारी समृद्धि संस्कृति विरासत की सराहना करेंगे और पर्यटक के प्रति रुचि और जुनून विकसित करेंगे। इस पहल से टीम वर्क, प्रबंधन, नेतृत्व आदि जैसे सॉफ्ट स्किल का विकास होगा, साथ ही
पारिस्थितिक पर्यटक के अंगीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, ये CBSE का इनिशिएटिव है पर्यटक मंत्रालय के साथ में, तो ये आई होप सो कि मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लेना, युवा पर्यटक क्लब याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम। सो एक ही स्थान पर शिल्प और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत 8 शिल्प ग्रामों को कार्य योजना शुरू किया गया है। इन ग्रामों में शामिल रघुराजपुर ओडिशा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, बदास गुजरात, नैनी उत्तर प्रदेश, अनेकुंडी कर्नाटक, महाबलीपुर तमिलनाडु, ताजगंज उत्तर प्रदेश, आमेर राजस्थान। देखिए, 14 मई को UPPCS का भी पेपर है, तो ये बात याद रखना कि जो शिल्प ग्राम इनिशिएटिव योजना है यह उत्तर प्रदेश के नैनी वन, ठीक है, और ताजगंज दो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको कार्यान्वित किया जा रहा है आमेर राजस्थान। शिल्प ग्राम क्लस्टर में दस्तकारी को सामूहिक रूप से कारीगरी के लिए स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करेंगे। इस प्रकार ये देश की समृद्ध शिल्प विरासत की रक्षा करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई-कॉमर्स, ठीक है। सो ई-कॉमर्स क्या होता है? सो ई-कॉमर्स से आशय इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद एवं बेचने से जुड़ी गतिविधियों को हम ई-कॉमर्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचना और खरीदना किसी भी वस्तु को, ठीक है। सो हम इसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। भारत में ई कॉमर्स की विनियामकीय व्यवस्था की अगर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस ई कॉमर्स रूल 2020, इसके तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद की सूची के साथ साथ उत्पाद के मूल देश को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है, ठीक है। सो इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की सूची को निर्धारित करने वाले मापदंडों को भी खुलासा करना होगा। सो आई होप सो यहाँ से मैटर बन सकता है, तो आप इसको याद रखो। ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है, यानी फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है 110% अलाउ किया गया है, ठीक है, ई कॉमर्स सेक्टर के लिए। ओके, सो आई होप सो आप इसको समझ पाए हैं। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स को बढ़ावा और उसका विनियमन, ठीक है। सो प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। सो हाल ही में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा और उसको विनियमन पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। सो रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सॉरी, रिपोर्ट से क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, ठीक है। सो एक होता है एक्स पोस्ट मॉडल, एक होता है एक्स एंटी मॉडल, तो आप इनको याद रखना है। सो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। सो क्या होता है एक्स पोस्ट मॉडल, ठीक है, और एक्स एंटी मॉडल। सो देखिए, जो एक्स एंटी मॉडल है में डाटा संग्रह और उसके उपयोग सहित बिग टेक कंपनियों के लिए आचार संहिता होती है, ठीक है। जो एक्स पोस्ट मॉडल में डाटा संग्रह और उपयोग के बाद उसके परिणामों पर नज़र रखी जाती है। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो एक्स एंटी मॉडल में है में डाटा संग्रह और उसके उपयोग सहित बिग टेक कंपनियों के लिए आचार संहिता होती है, और जो एक्स पोस्ट मॉडल है ये क्या कहता है कि डेटा संग्रह और उपयोग के बाद उसके परिणामों पर नज़र रखी जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उपभोक्ता से प्राप्त डेटा का उपयोग उपभोक्ता के हितों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात कहा गया है कि जो एक्स पोस्ट मॉडल है उसके जगह अब एक्स एंटी मॉडल का इस्तेमाल किया जाए। सो आई होप सो यहाँ से आप चीज़ों को समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ONDC, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो क्या होता है? सो देखिए, बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल है, ये एक खुला नेटवर्क है, ठीक है। यह केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकताओं को समाप्त करता है,
ठीक है, और ये व्यापक पैमाने पर डिजिटल कॉमर्स बाजार के विस्तार को सक्षम बनाता है, व्यापार नवाचार को सक्षम बनाता है। ठीक है, सो अगर इसके बारे में और जानना चाहे तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ONDC क्या नहीं है? सो एक सरकारी विनियामक निकाय नहीं है। सो यहाँ से अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इनका डिफरेंस याद रखना, ठीक है, कि यह एक एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म नहीं है, एक केंद्रीय मध्यवर्ती नहीं है, व्यवसाय के डिजिटलीकरण में मदद करने वाला माध्यम नहीं है। ठीक है, इसे दिसंबर 2021 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। सो आई होप सो कि ये आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन संबंधी सभी रूपों के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना। ONDC पारंपरिक ई कॉमर्स मॉडल कैसे भिन्न है? सो ई कॉमर्स में सॉरी के पारंपरिक मॉडल के विपरीत ONDC किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म या प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है, ये इसको अलग बनाता है किससे? ई कॉमर्स के रेगुलेशन से। ठीक है, भारत में ONDC का अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो बड़ी कंपनियों की एकाधिकार संबंधी प्रवृत्ति को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के लिए चुनने की स्वतंत्रता में वृद्धि करना, ठीक है, स्थानीय व्यवसायों को औपचारिक बनाना, समृद्धि और विकास की बात करें तो ONDC डिजिटल कॉमर्स की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला यानी लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, लास्ट माइल डिलीवरी आदि में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में के अवसर को पैदा करेगा। ठीक है, इसकी मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उपभोक्ता की स्वतंत्रता और चुनने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, और विक्रेताओं के लिए समावेशी और पहुंच में वृद्धि, विशेषकर लघु मध्यम उद्यमों और स्थानीय व्यवसायों के लिए। सो आई होप इसके आप इम्पोर्टेंस को समझ गए। बाकी यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे इस डिफरेंस को आप याद रखना, क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये आपको कंटेंट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, सो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। भारत में 117 करोड़ टेलीफोन ग्राहक और 70 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है। भारत की GDP में लगभग 8% का योगदान देने के साथ साथ गृह क्षेत्र 40 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किया हुआ है। समग्र टेली घनत्व 90% से अधिक है। यह प्रति 100 व्यक्तियों में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और इसके संरचना की बात करें तो इस पे देखिए, इसमें तो सारा है, आप इसको देखना। ठीक है, एग्ज़ाम के रिलेवेंट की बात करें तो स्पेक्ट्रम की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। आई होप आपको पता होगा, इसको याद रखना। दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी थी। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आई होप इसको याद रखना है आप। ठीक है, और क्रियात्मकता की बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है इसके तहत। ठीक है, लिक्विडिटी की अगर बात करें तो पिछली नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के देय भुगतान पर 4 वर्ष तक की मोहलत स्थगन अवधि प्रदान की गई है अभी तक का। ठीक है, गति शक्ति संचार पोर्टल, ठीक है, तो क्या है यह? सो दूर संचार विभाग राइट ऑफ वे स्वीकृति के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सो राइट ऑफ वे एक कानूनी अधिकार है, इसके द्वारा दूर संचार सेवा प्रदाताओं को यानी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं को ऑनलाइन आवेदन करने और फिर सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। सो आई होप आप ROW राइट ऑफ वे भी समझ गए। ठीक है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातों की बात करें तो 5G सेवा जल्द शुरू करने के लिए राइट ऑफ वे आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना,
ठीक है, नियमों के पालन में लागत को कम करने के लिए प्रशासकीय शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, दूरसंचार लाइसेंसधारी निजी संपत्ति के मालिक के साथ समझौता कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी सरकारी प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉस, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। सो हाल ही में कॉन्फिडेंशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और अर्नेस्ट एंड यंग EY ने इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सॉस कैपिटल नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय सॉस उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति और उसके द्वारा निर्मित व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। सो सॉस क्या है? ठीक है, सो सॉस वस्तुतः सॉफ्टवेयर सेवाओं की डिलीवरी हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक मॉडल है। इसके तहत क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अगर वहाँ की बात करें तो गूगल वर्क स्पेस, एडोब क्रिएटिव क्लाउड, हिटहब इत्यादि जो हैं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। सास की मुख्य अगर विशेषता की बात करें तो सास सेवाओं को सॉफ्टवेयर प्रदाता से किराए पर लिया जा सकता है। इससे सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता द्वारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तुलना में सास से लाभ क्या है? सो समय प्रभावी बनाता है, यानी विक्रेता रखरखाव अपग्रेड्स सपोर्ट्स और सुरक्षा का प्रबंधन कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा की बात करें, तीसरे समय सूचनाओं क्लाउड से सुरक्षित रूप से भंडारित रहती है। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें तो यह एक ही समय में डेटा की बड़ी मात्रा को प्रबंधित करने में सक्षम है। ठीक है, एक्सेस की बात करें तो इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण की सहायता से इस तक पहुंचा जा सकता है। ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसे उपयोगकर्ता डेटा की मात्रा और कार्य क्षमता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, लागत की बात करें तो यह अग्रिम खरीद और बुनियादी ढांचे यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि की लागत को समाप्त करता है। सो आई होप आप इसके इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट को भी समझ गए। भारत में अगर सास की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सास इकोसिस्टम वाला देश है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सास इकोसिस्टम वाला देश बन सकता है। वर्तमान समय में भारत में 18 सास यूनिकॉर्न मौजूद हैं। ठीक है, और ज्ञातव्य है कि 2018 में इसकी संख्या केवल एक थी। सो एवरीबडी आई होप सो कि आपको ये शॉर्ट नोट्स की तरह विजन पेटी 365 का इको का सेशंस ये आई होप पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ से एग्ज़ाम के रिलेवेंट डिस्कशन समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए और अपडेट पाते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो मैं सेट का सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का, सो उसको भी आप देखते रहिए। बहुत छोटा छोटा क्लिप रहता है, 1 मिनट का, 30 सेकेंड का। सो हालांकि वो पूरा का पूरा रिवाइज तो नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ से आपको एक तर्क मिल सकता है कि हमारे जो अपनी पढ़ाई है उसको किस दिशा में लेकर जाना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारे पढ़ाई में क्या योगदान है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।